नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल शान रोसर ट्यूटोरियल्स में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आइए वेब डिज़ाइनिंग की सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं HTML क्या होता है, HTML का क्या यूज़ होता है और HTML किस किस को सीखना चाहिए और HTML के बेसिकली फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को आप प्रेस कर लें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में जो डिस्कस किया था, जैसा कि आप मेरी प्लेलिस्ट के अंदर देख रहे हैं, मैंने प्लेलिस्ट के अंदर अभी एक वीडियो अपलोड किया है। वो मेरी जो सीरीज़ है उसका नाम है वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट ट्यूटोरियल फॉर बिगनर इन हिंदी। हमने हमारे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि एक प्रोफेशनल वेब डिज़ाइनर हम कैसे बनते हैं और एक वेब डिज़ाइनर बनने के लिए हमको कौन कौन सी स्किल्स हमको आनी चाहिए। उसी स्किल्स में हमने ये भी देखा था कि सबसे पहले जो स्किल्स होती है वो होती है हमारा कोडिंग पार्ट। कोडिंग पार्ट कैसे हम कोडिंग करते हैं, कैसे हम कोडिंग के जरिए हम हमारी वेबसाइट को डेवलप करते हैं, वेबसाइट को हम बनाते हैं, तो वो जो कोडिंग स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहला पार्ट आता है हमारा HTML का। तो आज मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये बेसिकली HTML के इंट्रोडक्शन पे पूरा डिपेंड है। इसमें आपको HTML से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन मिलेगी और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊँगा उसमें हम कोडिंग स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, हमारा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं HTML का। HTML का सबसे बड़ा पार्ट होता है HTML। सबसे पहले तो हमें देखते हैं दोस्तों कि HTML क्या होता है और HTML सीखना हमको क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आप एक वेब डिज़ाइनर हैं, अगर आप एक वेब डिज़ाइनर बनना चाहते हैं या फिर आप अगर एक वेब डिज़ाइनर हैं तो HTML सीखना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उसका कारण क्या है, उसके फ़ायदे क्या क्या हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको HTML के फ़ायदे बता देता हूँ कि अगर आपने कोई भी लैंग्वेज वगैरह स्टार्ट नहीं करी है तो आप HTML से अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि HTML बहुत ही बेसिक लैंग्वेज है और बहुत ही कम टाइम में हम एक वेबसाइट वगैरह बनाना सीख सकते हैं। HTML के फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं। दोस्तों, यदि आप एक बिजनेसमैन हैं और अगर आपने किसी एक वेब डिज़ाइनर से आपकी कंपनी की एक वेबसाइट वगैरह बना रखी या आपने या आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग अगर आपने एक वेबसाइट वगैरह किसी वेब डिज़ाइनर से बनवा रखी है, तो और सपोज मान के चलो कि उस वेबसाइट में आपको डेली कुछ ना तो कुछ अपडेशंस करना पड़ता है। आप आपके डिज़ाइनर को बोलते हो कि यार मुझे अपडेशन करना है, तो उसके लिए आपको चार्ज करना पड़ता है कि यार आज अगर आपने इतना काम करा है तो आप उसके लिए आपको इतना पेमेंट सामने वाले डिज़ाइनर को पे करना पड़ता है। और अगर आपको सोचो, अगर आपको थोड़ा बहुत भी HTML आता है तो इसमें जो आप पैसा सामने वाले वेब डिज़ाइनर को दे रहे हो वो पैसा आपका बच जाएगा। और HTML, मैं नहीं बोलता हूँ कि HTML पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जितनी भी हमने अभी तक देखी है या जितनी भी हम सुनते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, उसमें सबसे कम टाइम में और सबसे इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी होती है, हमारी HTML। अगर आप एक यूट्यूबर हो, अगर आप एक वेब डिज़ाइनर बनना चाहते हो, अगर आप एक ब्लॉगर हो, तो उसके लिए आपको एक बेसिक HTML तो आपको कम से कम आपको एक HTML लैंग्वेज तो आपको आना ही चाहिए। इसके फ़ायदे यही हैं कि HTML अगर आप सीख लोगे तो आपको सामने वाले डेवलपर और डिज़ाइनर को पैसा नहीं देना पड़ता है। हालांकि पैसा तो उनको देना पड़ता है, पर वो एडवांस लेवल पे अगर आप चेंजेस करवा रहे हो तो, माइनर लेवल पे अगर आपको चेंजेस करवा रहे हैं तो आपको कुछ भी पैसा वगैरह देने की आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपका पैसा बच सकता है अगर आपको HTML आता है तो। तो आइए देखते हैं कि HTML जो है वो HTML की बेसिक डेफिनेशन क्या है या HTML का बेसिक फुल फॉर्म क्या है, आइए समझते हैं। दोस्तों, HTML का एक बेसिक फुल फॉर्म है हमारा, HTML इज़ ए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML इज़ ए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब इसमें दोस्तों मैं आपको एक एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर करके बताऊंगा कि HTML का फुल फॉर्म में हाइपर टेक्स्ट क्या होता है,
मार्कअप क्या होता है, मार्कअप क्या होता है, मार्कअप के लिए मैंने आगे लिंक दे रखी है, मैंने आगे समझा रखा है, तो हम आगे समझेंगे मार्कअप के बारे में। तो सबसे पहले तो HTML का बेसिक फुल फॉर्म क्या है, HTML एक हमारा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। HTML ऐसी लैंग्वेज है जो, कौन सी लैंग्वेज है हमारी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। दोस्तों HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, मतलब HTML ने अपनी कुछ लिमिटेशन सेट करके रखी हैं। HTML ने अपनी कुछ लिमिटेशंस वगैरह पहले से सेट करके रखी हैं। HTML एक टेक बेस्ड लैंग्वेज है। HTML को कैसे लिखते हैं, कैसे हम उसका स्ट्रक्चर वगैरह देखते हैं, आगे हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी HTML की बेसिक डेफिनेशन क्या, कोई अगर आपसे फुल फॉर्म पूछता है तो HTML की बेसिक डेफिनेशन क्या, कि HTML इज़ ए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। दोस्तों हाइपर टेक्स्ट का मीनिंग क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मतलब होता है टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट की इंफॉर्मेशन को छुपाना। एक टेक्स्ट के अंदर दूसरे टेक्स्ट की इंफॉर्मेशन जब छुपी होती है तो वो टेक्स्ट कौन सा कहलाता है, हमारा हाइपर टेक्स्ट कहलाता है। अब ये हाइपर टेक्स्ट हम सपोज, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ कि सपोज मैं किसी एक वेबसाइट को, मान के चलो कि मैंने यूट्यूब एक वेबसाइट है, मेरे पास सिस्टम है, उस सिस्टम पे मैंने youtube.com लिखा और मेरे पास यूट्यूब की वेबसाइट मेरे ब्राउज़र पे ओपन हो चुकी है। अब उस यूट्यूब का जो फ्रंट पेज है उससे मुझे अगर किसी दूसरे पेज पे जाना है, सपोज़ मुझे यूट्यूब, सपोज़ मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास जैसे कि ये है, ये मेरे पास एक मेरा चैनल का होम पेज है। अब यहाँ से अगर मुझे वीडियो पे जाना है तो वीडियो के अंदर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन रहेगी, बेसिक टेक्स्ट रहेगा। तो किसी भी एक लिंक से दूसरे लिंक पे जब हम जाते हैं तो उस लिंक के अंदर भी कुछ न तो कुछ हमारा टेक्स्ट रहता है। तो यही काम कौन करता है, हमारा हाइपर टेक्स्ट करता है। क्या कहलाता है हमारी ये चीज़, क्या कहलाती है हमारी, हाइपर टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट का होना। ये एक वेब पेज है, इसमें आपको ये जो वीडियोज़ वगैरह दिख रहे हैं, जो लिंक वगैरह दिख रही है, ये इस पर्टिकुलर पेज की इन्फॉर्मेशन है। बट जैसे ही आप किसी होम पेज के अलावा या वीडियो पेज पे जाओगे तो उस वीडियो पेज के अंदर भी, या उस वीडियो पेज तक जाने के लिए, या उस वीडियो पेजेस के टेक्स्ट को देखने के लिए हम जब इस पर क्लिक करते हैं तो ये जो लिंक है ये कहाँ पर है, मेरी होम पेज पे। तो एक टेक्स्ट के अंदर दूसरे टेक्स्ट के इन्फॉर्मेशन को हाइड करके रखना ताकि जब यूज़र दूसरे पेज पे जाना चाहे तो वो जा सकता है। तो किसी भी पर्टिकुलर पेज के अंदर की इन्फॉर्मेशन को शो करना, एक पेज से दूसरे पेज पे जब हम जाते हैं लिंकिंग के थ्रू, तो उस पेज पे भी कुछ ना तो कुछ इन्फॉर्मेशन रहती है। यही काम कौन करता है, हमारा हाइपर टेक्स्ट करता है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको हाइपर टेक्स्ट का मीनिंग समझ में आ गया होगा। मार्कअप के लिए मैंने आगे एक लिंक बना रखी है, हम आगे देखते हैं मार्कअप का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। HTML आर यूज्ड फॉर टू डिज़ाइन अ वेब पेज। दोस्तों हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर आपको एक वेब डिज़ाइनर बनना है, अगर आपको वेब डेवलपर बनना है तो उसके लिए आपको वेबसाइट बनाना आना चाहिए। और एक वेबसाइट जो है वो कलेक्शन होता है मल्टीपल वेब पेजेस का। किसका कलेक्शन होता है, मल्टीपल वेब पेजेस का। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पहले मेरे प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें, उसमें जो मैंने एक वीडियो अपलोड किया है पहले आप उसके बारे में समझ लें। तो आपको वेब पेज क्या होता है, वेब पेज कितने टाइप के होते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको उस वीडियो के अंदर अवेलेबल हो जाएगी। तो आइए दोस्तों समझते हैं कि HTML का बेसिकली काम क्या होता है, कि अगर मुझे कोई भी वेबसाइट बनाना है तो उस वेबसाइट को बनाने के लिए सबसे पहले तो मुझे एक वेब पेज बनाना पड़ेगा, और उस वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए जो कोडिंग मुझे लगती है वो कोडिंग मुझे कौन प्रोवाइड करके देता है, हमारा HTML प्रोवाइड करके देता है। क्योंकि HTML ने कुछ अपनी लिमिटेशंस लगा रखी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि HTML ने अपने खुद के टैग बना रखे हैं, उसी टैग के माध्यम से हम एक वेब पेज तैयार कर सकते हैं। दोस्तों वेब पेज, अब सपोज HTML को, अगर मुझे मेरे सिस्टम में HTML की प्रोग्रामिंग करना है तो मुझे कौन कौन से टूल्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, दोस्तों आगे हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अभी आप इतना समझ लो कि HTML बेसिकली किस लिए यूज़ में आता है, एक वेब पेज बनाना है, एक वेबसाइट वगैरह अगर आपको बनाना है तो उसके लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, HTML की। जैसा कि आप, ये जो एक हमारा YouTube है, ये भी एक हमारा वेब पेज है, ये भी क्या हमारा वेब पेज है, और ये भी वेब पेज किससे बनाए, हमारा HTML की कोडिंग से। HTML की कोडिंग अगर HTML नहीं है
तो हम एक वेब पेज को नहीं बना सकते हैं। और एक सबसे अच्छी बात कि ये जो हमारा वेब पेज है ये पर्टिकुलर एक ब्राउज़र पे रन हो रहा है। आपको जो मेरे यूट्यूब की जो जो मेरा चैनल दिख रहा है, जो आप वेब पेज अभी आपकी स्क्रीन पे आप मेरी स्क्रीन पे आप देख रहे हो, वो किसी एक ब्राउज़र पे जा कर के एग्जीक्यूट हो रहा है। तो वैसे ही क्या होता है कि किसी भी वेब पेज को अगर हम बनाते हैं तो वेब पेज कहाँ पर जाके एग्जीक्यूट होता है, हमारा ब्राउज़र पे। ओके दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं HTML को किसने डेवलप किया। दोस्तों HTML 1919 में HTML को टीम बर्नर्स ली ने डेवलप किया था, और उन्होंने ये जो HTML डेवलप किया था उसका बेसिक रीज़न क्या था, देखते हैं समझते हैं। इनिशियली HTML आर यूज्ड फॉर टू डॉक्यूमेंट शेयरिंग। जब आई थिंक 1980 की बात है, 1980 में टिम बर्नर्स-ली ने, जो इसके डेवलपर हैं जिनने HTML को डिज़ाइन किया है, उनने HTML का बेसिकली पहले यूज़ किया था डॉक्यूमेंट को शेयर करने के लिए। बट कुछ समय के बाद आफ्टर सम टाइम्स ली ने फाइनली उसको राइट किया है कि जो मैं HTML बना रहा हूँ उसको मैं इंटरनेट के माध्यम से मैं उसको हर यूज़र को बताना चाहता हूँ। तो उन्होंने जो HTML को अपडेट किया है वो ब्राउज़र फ्रेंडली बना दिया कि अब जो HTML की प्रोग्रामिंग का कोड अगर आपको देखना है, अगर आपको उसका लेआउट देखना है कि वो कैसा दिख रहा है, तो उसके लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है, ब्राउज़र की। ब्राउज़र से आप सब फेमिलियर होंगे, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, सफारी, ओपेरा, ये सारे के सारे ब्राउज़र हैं जिस पर हम एक HTML के प्रोग्राम को हम रन कर सकते देख सकते हैं। और ये कोई भी सॉफ्टवेयर अगर मुझे बनाना है तो उसमें हमारा एक स्पेशली पार्ट किसका रहता है, HTML का। अगर मुझे एक वेबसाइट बनाना है, वेबसाइट भी एक टाइप का हमारा सॉफ्टवेयर रहता है, जैसे कि एक स्कूल का सॉफ्टवेयर रहता है जिसमें पूरी के पूरे स्कूल की इंफॉर्मेशन पूरी सॉफ्टवेयर के माध्यम से एक फुलफिल होती हैं। कंपनी का सॉफ्टवेयर होता है, ऐसा बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो एक वेब ब्राउज़र पर रन होते हैं, वेब ब्राउज़र पर दिखते हैं। तो उसको बनाने में कि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट किसका रहता है, HTML का। HTML का बेसिकली एक बार मैं आपको समझा देता हूँ कि HTML पहले डॉक्यूमेंट शेयर 1980 में बर्नर्स ली ने HTML का यूज़ किया था डॉक्यूमेंट को शेयर करने के लिए। बट कुछ समय के बाद समथिंग 1919 में उन्होंने HTML को वापस से रीराइट किया और उसको उन्होंने ब्राउज़र फ्रेंडली बना दिया। आया दोस्तों आपको समझ में? आगे पॉइंट्स अपन समझते हैं। HTML आर इंटीग्रेटेड विद एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। दोस्तों HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, मतलब HTML ने अपने खुद के टैग बना के रख दिए हैं और उसने सारी लैंग्वेजेस को इन्फॉर्म कर दिया है, चाहे वो PHP हो, चाहे वो जावा हो, चाहे वो पाइथन हो, चाहे वो एंगुलर हो, चाहे वो नोड हो, उन HTML ने सबको इन्फॉर्म कर दिया है कि जो टैग मैंने मार्क कर दिए हैं उन्हीं टैग को आपको सारी लैंग्वेजेस में यूज़ करना पड़ेगा, आपके खुद के कोई पर्सनली टैग नहीं बना सकते हो इन केस ऑफ HTML। इसीलिए HTML को हम क्या बोलते हैं, मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं, क्योंकि HTML ने एक बार खुद के टैग मार्क कर दिए और सारे लैंग्वेजेस को उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया कि अगर आपको किसी भी लैंग्वेज में, चाहे PHP हो, जावा हो, पाइथन हो, एंगुलर, नोड, किसी भी लैंग्वेज में अगर आपको वेबसाइट बनाना है तो उसके लिए आपको हमारे HTML के बनाए हुए टैग का ही यूज़ करना पड़ेगा। तो ये होता है एक्चुअली मीनिंग किसका होता है, मार्कअप का। आगे मैं समझा भी दूंगा, मैंने एक पॉइंट्स उसके अंदर काफ़ी अच्छा बना रखा है कि और मार्कअप लैंग्वेज को मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। दोस्तों आशा करता हूं कि यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, HTML इज़ ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा पॉइंट है। दोस्तों अगर मेरे पास विंडोज़ की मशीन है तो उस विंडोज़ की मशीन पे भी HTML सक्सेसफुली रन करेगा। अगर मेरे पास लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसके अंदर भी मेरा HTML प्रोग्रामिंग सक्सेसफुली सपोर्ट करेगी, और अगर मेरे पास मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसके अंदर भी मैं HTML की प्रोग्रामिंग को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। आपको ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम हो तो एक ही वेबसाइट आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो HTML एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर है, इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। तो HTML
किसी भी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे हम इजीली उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आगे समझते हैं दोस्तों, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि HTML को अगर मुझे रन करना है, HTML का अगर मुझे प्रोग्राम बनाना है, तो उसके लिए मुझे बेसिक HTML के टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। HTML के टूल्स में सबसे पहला टूल्स होता है कि भैया अगर मुझे कोड लिखना है तो मैं कहाँ लिखूँगा, कॉपी पे तो मैं लिख नहीं सकता हूँ, तो उसके लिए अगर मैं कंप्यूटर के अंदर मुझे एक फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा और उस फोल्डर के अंदर मुझे एक फ़ाइल बनाना पड़ेगी और उस फाइल को ओपन करने के लिए मुझे टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो कौन कौन से टेक्स्ट एडिटर हम यूज़ करते हैं उसके लिए आगे के पॉइंट्स में आपको उसके बारे में पता चल जाएगा कि कौन कौन से एडिटर्स पे हमको काम करना चाहिए। तो HTML का जो पहला टूल्स होता है वो होता है टेक्स्ट एडिटर, जिस पे मैं HTML के टैग को मैं लिखूँगा और उस टैग को ब्राउज़र के माध्यम से मैं किसी भी यूज़र को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो दो टैग की सबसे ज़्यादातर इम्पोर्टेंट रहता है, पहला होता है मेरा टेक्स्ट एडिटर का, जिस पर मैं मेरे कोड को राइट करता हूँ और उस कोड को देखने के लिए मुझे किसकी ज़रूरत पड़ती है, ब्राउज़र की। तो सेकंड पार्ट किसका होता है, हमारा वेब ब्राउज़र का। वेब ब्राउज़र मैंने आपको बता दिया है, आप सब फेमिलियर होंगे। वेब ब्राउज़र मतलब जैसा कि मेरा जो यूट्यूब वगैरह चल रहा है वो भी एक ब्राउज़र पर चल रहा है, तो गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स, किसी भी ब्राउज़र पे मैं उस टेक्स्ट एडिटर के कोड को मैं इजीली एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। और दोस्तों ये दोनों इनबिल्ट रहते हैं हर ऑपरेटिंग सिस्टम में या हर कंप्यूटर में, ये दोनों इंटीग्रेटेड इनबिल्ट रहते हैं। सपोज़ मैं कोई भी एक सिस्टम वगैरह मार्केट से नया लेकर के आया हूँ, तो उसके अंदर सामने वाला जो शॉप कीपर रहता है वो मुझे कम से कम दो चीज़ें तो मुझे मेरे सिस्टम में इंटीग्रेट करके देगा। एक तो एडिटर जिसको अपन नोटपैड बोलते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट रहते हैं, और दूसरा क्या रहता है, हमारा ब्राउज़र। तो कम से कम ये दो चीज़ तो इनबिल्ट आती ही आती है। मतलब HTML दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जैसे कि हम दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में देखते हैं कि PHP हो गया, जावा हो गया, .NET हो गया, पाइथन हो गया, एंगुलर हो गया, इन सब के लिए मुझे कुछ नहीं तो कुछ पहले से डाउनलोड करना पड़ता है, इनके मुझे सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड करना पड़ सकते हैं। बट HTML का कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता है। आप गूगल पे कभी भी मत लिखना कि HTML सॉफ्टवेयर डाउनलोडेड, कभी भी HTML का कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं होता है। अगर आपको HTML की प्रोग्रामिंग करना है तो आपके सिस्टम में एडिटर होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, ब्राउज़र, और ये दोनों हमारे हर सिस्टम में किसी भी मशीन पे ये दोनों इनबिल्ट रहते ही रहते हैं। दोस्तों टूल्स आपको समझ में आ गया होगा कि एक तो टेक्स्ट एडिटर की रिक्वायरमेंट लगती है और दूसरा किसकी रिक्वायरमेंट लगती है हमको, वेब ब्राउज़र की। आगे देखते हैं, HTML फाइल आर सेव्ड बाय .html एक्सटेंशन। मतलब अगर हमें HTML की फाइल को सेव करना है तो उसका HTML का एक्सटेंशन क्या होना चाहिए, .html से हम फाइल को सेव करेंगे। जैसे कि PHP हो तो हम उसके लिए हम .php लगाते हैं, जावा के लिए हम .java लगाते हैं, वैसे ही HTML की फाइल को सेव करने के लिए उसका एक्सटेंशन क्या रहेगा, .html। HTML टैग आर डिवाइडेड बाय 2 कैटेगरी। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप कोई भी प्रोग्राम बना रहे हो और वो प्रोग्राम में अगर आपने कुछ भी गलत लिख दिया तो HTML कभी भी ब्राउज़र पे एरर जनरेट नहीं करता है। यह आपको खुद को अंडरस्टैंड होना पड़ेगा, आपको खुद को उस पर R&D करना पड़ेगी कि जो मैंने कोड लिखा है वो तो ब्राउज़र पे क्यों नहीं रन हो रहा है। तो ये एरर आपको खुद ही सॉल्व करना पड़ती है, ब्राउज़र कभी भी एरर जनरेट करके नहीं देता है। जैसा कि दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एरर जनरेट होती है, वैसे HTML कभी भी फ्रंट एंड पे ब्राउज़र पे एरर जनरेट करके नहीं देगा आपको। या आप मेरी बात को आप ध्यान रखना, HTML टैग आर डिवाइडेड बाय 2 कैटेगरी। HTML टैग जो हम बनाते हैं, HTML के जो प्रीडिफाइंड टैग रहते हैं उसके लिए उसको उन्होंने दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। पहला होता है पेयर्ड टैग और दूसरा कौन सा होता है, अनपेयर्ड टैग। पेयर्ड टैग क्या होता है, दे हैव ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। ऐसे टैग जिसका ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों टैग रहते हैं वो कौन सा टैग कहलाता है, हमारा पेयर टैग। जैसे कि आपको एग्जांपल दिख रहा है कि ये मेरा ओपनिंग टैग है और ये मेरा क्या है, क्लोजिंग टैग है। अगर मैंने HTML के अंदर किसी टैग को ओपन किया है तो उसको मुझे क्लोज भी करना पड़ेगा, बट वो पेयर टैग होना चाहिए।
सेकंड कौन सा होता है? अनपेयर टैग, इट्स एन एम्प्टी टैग, ये एम्प्टी टैग होता है, दे हैव नो क्लोजिंग टैग, इसका कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता है, मतलब इसमें ओपनिंग टैग ही हमारा कौन सा टैग कहलाता है, क्लोजिंग टैग। फॉर एग्जाम्पल बी आर टैग जो लाइन को ब्रेक करने के लिए यूज़ में आते हैं, हम कोडिंग के अंदर देखेंगे कि ये टैग हम कैसे यूज़ में लाते हैं। तो बी आर के अंदर आपको एक फॉरवर्ड स्लैश दिख रहा है तो ये उसका क्लोजिंग टैग कहलाता है, और ये टैग में अगर मैं क्लोज नहीं करूँगा तो भी एरर वगैरह जनरेट नहीं होगी। अगर मैंने किसी HTML, जैसे कि आप पेयर टैग के अंदर देख रहे हो कि मैंने HTML को ओपन किया बट मैंने क्लोज नहीं किया, तो HTML पे एरर कभी भी जनरेट नहीं होती, ब्राउज़र पे कभी भी एरर नहीं आती, बट उसका जो आउटपुट है वो ब्राउज़र पे केवल डिस्प्ले नहीं होता है, या होगा तो भी कुछ भी डिस्प्ले हो सकता है। बट आप ध्यान रखना कि अगर आप HTML यूज़ कर रहे हो तो जिसका ओपनिंग टैग है उसका क्लोज भी करना पड़ेगा, अगर वो पेयर टैग हो, अगर अनपेयर टैग हो तो उसमें आप क्लोजिंग टैग नहीं लगाओगे तो भी चल जाएगा। आगे समझते हैं दोस्तों। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, अब हम समझते हैं कि एक्चुअली मार्कअप लैंग्वेज होती क्या है। मार्कअप लैंग्वेज इज एन लैंग्वेज यूज्ड टू मार्क टेक्स्ट इंटरेक्टिव इन वेब पेजेस। मार्कअप लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसका यूज़ वेब पेज में टेक्स्ट को इंटरेक्टिव बनाने के लिए किया जाता है। समझ रहे हो आप दोस्तों मेरी बात को? मार्कअप लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसका यूज़ वेब पेज में टेक्स्ट को इंटरेक्टिव करने के लिए बनाया जाता है। ऑलरेडी द टैग आर डिफाइंड इन दिस, इसमें पहले से टैग डिफाइंड रहते हैं, एंड ऑल द टैग हैव डिफरेंट वर्क, और सभी टैग का अलग अलग काम होता है। उसके बाद उनने लिखा है एंड द सेम टाइम और साथ ही साथ द एरिया ऑफ ऑल टैग रिमेन फिक्स्ड, साथ ही साथ सभी टैग का एरिया फिक्स किया हुआ रहता है पहले से। जैसा कि मैंने आपको अभी भी बिल्कुल मैंने आपको सिंपल भाषा में समझाया है कि मार्कअप लैंग्वेज ने अपने खुद के टैग फिक्स कर दिए हैं और उसने सारी लैंग्वेजेस को इन्फॉर्म कर दिया है कि जो टैग मैंने बनाए हैं उसी टैग को आपको दूसरी लैंग्वेजेस में यूज़ करना पड़ेगा। तो मार्कअप लैंग्वेज वो लैंग्वेज कहलाती है जिसमें अपने खुद के टैग क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं, और वही टैग हम दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। वो लैंग्वेजेस जो वेबसाइट बनाती हैं, जैसे कि PHP, पाइथन, एंगुलर, नोड, ये सारी लैंग्वेजेस है जिसके माध्यम से हम वेबसाइट वगैरह बना सकते हैं। दोस्तों HTML के प्रोग्रामिंग एडिटर्स कौन कौन से हमको यूज़ करना चाहिए? तो एक तो बाय डिफ़ॉल्ट जो रहता है नोटपैड, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप नोटपैड यूज़ करो, क्योंकि नोटपैड में टाइम वेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, और इसमें हमको उतना अट्रैक्टिव भी नहीं लगेगा कि जैसे कि हम HTML वगैरह के हम प्रोग्रामिंग के लिए, मैं नहीं मानता हूँ कि नोटपैड आपको यूज़ करना चाहिए। नोटपैड प्लस प्लस नोटपैड से अच्छा है, बट नोटपैड प्लस प्लस पे भी हम काम नहीं करेंगे, आप कर सकते हो ठीक है। सबलाइम टेक्स्ट एक अच्छे लेवल पे हम यूज़ कर सकते हो। सबलाइम टेक्स्ट एडिटर आप नेट से डाउनलोड कर सकते हो, सबलाइम टेक्स्ट 3 डाउनलोड करना अगर आपको डाउनलोड करना है। बट दोस्तों मैं जो सीरीज़ में स्टार्ट से एंड तक जो मैं कवर करने वाला हूँ, जो एडिटर मैं यूज़ करने वाला हूँ, उसका नाम है विजुअल स्टूडियो कोड, जो माइक्रोसॉफ्ट का है, बहुत ही लाइटवेट एडिटर है और इसके भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। तो मैं जब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब मैं आपको बताऊँगा कि विजुअल स्टूडियो कोड आप कहाँ से डाउनलोड करोगे और कैसे हमको उसको यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये एक हमारा एक HTML इंट्रोडक्शन का एक बेसिक पार्ट था कि HTML हम क्यों बनाते हैं, HTML हमको सीखना क्यों ज़रूरी है, किन किन बिजनेसमैन के लिए हमको HTML वगैरह आना चाहिए और किस लेवल तक आना चाहिए, या आप कोड वगैरह देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, उसको शेयर करें, और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। दोस्तों मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।